एक दिन मोटू पतलू से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है। मोटू सुनसान जंगलों से होकर गुजर रहा होता है, तभी अचानक शाम होने लगती है। तभी मोटू को एक घर दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक चुड़ैल होती है, मोटू को देखते ही वो उसे एक भूत बना देती है और मोटू को एक कमरे में बंद कर देती है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए तीन दरवाजे होते हैं। पहले वाले रास्ते में एक खतरनाक तांत्रिक है, दूसरे वाले दरवाजे में दूर दूर तक लावा की नदी बह रही है और तीसरे वाले रास्ते में 5 दिनों से भूखा शेर है। तो अब आप लोग बताइए कि मोटू को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों मोटू तीसरा वाला दरवाजा चुनेगा क्योंकि मोटू एक भूत बन चुका है और शेर उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। एक दिन तिमनासा बालवीर के घर के ऊपर आक्रमण कर देती है और उसके घर को आग लगा देती है। बालवीर तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगता है। बालवीर उसका पीछा करते हुए एक गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही बालवीर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। बालवीर आगे जाता है तो उसके सामने तीन दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले वाले दरवाजे के अंदर एक मॉन्स्टर है, दूसरे वाले दरवाजे के अंदर एक भूत है और तीसरे वाले दरवाजे के अंदर 5 दिनों से भूखा शेर है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि बालवीर को इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों बालवीर इन तीनों में से तीसरे वाले दरवाजे को चुनेगा क्योंकि बालवीर एक ज़ॉम्बी बन गया है और शेर कभी भी बासी मांस नहीं खाते हैं। दोस्तों एक दिन बालवीर विवान और जेठालाल वो सभी एक जहाज के पास पहुंचते हैं और वो उसमें बैठकर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों अब ये तीनों जहाज से कूदने वाले हैं लेकिन इन तीनों में से कोई एक मरने वाला है। तो दोस्तों क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन मरने वाला है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आप विवान और जेठालाल के बैग को देखेंगे तो इनका बैग पैराशूट वाला है, लेकिन अगर आप बालवीर के बैग को देखेंगे तो उसके बैग में पानी का बोतल है, जिसका मतलब यह है कि ये एक नॉर्मल बैग है। इसका मतलब कि इनमें से पक्का बालवीर ही मरने वाला है। एक दिन बालवीर अपने घर जा रहा होता है, तभी दूसरी ओर से एक कार बहुत ही तेजी में आ रही होती है और बालवीर को टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। तब तक बालवीर का ज्यादा खून गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ से पुलिस गुजर ही रही होती है। फिर पुलिस को छानबीन करने के बाद उन्हें दो लोगों पर शक होता है। विवान बोलता है मैं तो उस वक्त अपने स्कूल में था। फिर जेठालाल बोलता है कि मैं तो दिन भर अपने दुकान पर ही था, मुझे नहीं पता। दोस्तों क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से बालवीर का खून किसने किया है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो अगर आप इन दोनों के कार को ध्यान से देखेंगे जेठालाल के कार के नीचे और ऊपर खून का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहा था और इसी ने ही बालवीर का खून किया है। एक दिन बालवीर और उसके दोस्त जंगलों में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी बालवीर उन सभी से बिछड़ जाता है। तभी अचानक बालवीर के ऊपर मशीन गन चलने लगती है और तुरंत ही बालवीर मारा जाता है। कुछ ही देर में बालवीर एक भूत बन जाता है और वो अपने दोस्तों के पास पूछताछ करने के लिए जाने लगता है। बालवीर उन तीनों से पूछता है कि बताओ तुम तीनों में से मेरा खून किसने किया है। विवान बोलता है कि मैं तो उस वक्त नदी के पास था। बालपरी बोलती है कि मैं तो झरने में नहा रही थी और जेठालाल बोलता है कि मुझे तो गन चलानी आती ही नहीं है। तो दोस्तों क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से बालवीर का खून किसने किया है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आंसर को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों इनमें से जेठालाल ने ही बालवीर का खून किया है क्योंकि उसे कैसे पता चला कि बालवीर का खून गन से ही हुआ है।